पंकज गोत्रा जी, आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। जैसा कि आज आपको मैंडेट मिला है बीएसपी का, तो आप इस इलेक्शन को कैसे देखते हैं? सर मैं तो, मुझे नहीं ये मैंडेट मिला है, ये मेरी जनता को, बहुजन समाज पार्टी को, सारे जितने भी मेरा परिवार है सबको ये मैंडेट मिला है। और मैं चाहता हूँ कि मैं जनता की भलाई के लिए आगे बढ़ूँ। और ये तो इलेक्शंस आती जाती रहेंगी, बट मैं अभी लाइफ टाइम तक अपनी जनता का बन के रहूँगा और इनके लिए मैं हमेशा रेडी रहूँगा। चाहे जब मर्जी मुझे बोलें तो मैं इनकी सेवा में हाजिर हूँ। तो आप बसौली के लिए क्या कहेंगे? सर बसौली के लिए आने वाला जो टाइम है बड़ा ही अच्छा है। जैसे कि सुनने को मिलता था कि बसौली की लीडरशिप जो है वो ज़ीरो होने जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आने वाले टाइम में, आने वाले 5 सालों में हम इतना जोश भर देंगे नौजवानों में कि हमारे जैसे 50 और आगे आएंगे, जो MLA के लिए, MP के लिए, या मेंबर ऑफ, मतलब जिसके भी लिए जो भी इलेक्शन होगी सबके लिए जो हमारा यूथ जो भर के आगे आएगा, जिसके लिए बसौली को या डिस्ट्रिक्ट कठुआ को इसकी कोई परेशानी नहीं होगी आने वाले टाइम में। और आपके क्या क्या मुद्दे रहेंगे इस मौके पर? सर मुद्दे यही हैं कि जैसे हमारे समाज को कई बार पानी की दिक्कत है, जैसे आप भी जानते हो कि पूरी बसौली में पानी की दिक्कत है, और जैसे बिजली के कट्स लगते रहते हैं, बिजली पूरी नहीं हो पाती, और भी जैसे सड़कों की कमी है। मेन तो डिस्ट्रिक्ट का है, पिछले 30 सालों से हम सुनते आ रहे हैं, 25-30 सालों से कि डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे, डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे, अभी तक डिस्ट्रिक्ट का कोई भी वो नहीं है। तो जैसे ही अभी हम आ गए हैं इलेक्शंस में, तो पूरी मांग रहेगी हमारी कि डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे, चाहे हम सत्ता में आए चाहे ना आए, लेकिन हम डिस्ट्रिक्ट के लिए मांग जरूर करेंगे सर। तो आज की नौजवान पीढ़ी को आप क्या कहना चाहोगे? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले तो अपनी पढ़ाई ड्रॉप ना करें, पढ़ना जरूरी है, क्योंकि पढ़ोगे तभी अवेयर होगे और तभी आपको पता चलेगा कि सामने वाला सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, या मिसगाइड कर रहा है आपको या अवेयर कर रहा है। तो मेरा कहना यही है कि सबको, कि सब पढ़े, सब बढ़े। जी।